हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ग्लोइंग दिखने के लिए आजकल लोग मेकअप कर लेते हैं, क्योंकि मेकअप और क्रीम से बेजान स्किन पर भी चमक लाया जा सकता है। लेकिन वो सब कुछ ही घंटों के लिए है, क्योंकि जब मेकअप निकल जाती है तब असली स्किन दिखने लगती है। इसीलिए मेकअप से नहीं, आज मैं आपको स्किन को नेचुरल तरीके से घर बैठे ग्लोइंग, ब्राइट और स्पॉटलेस बनाने के लिए सबसे बेस्ट होममेड स्किन ब्राइटनिंग फेस पैक बनाना बताऊंगी, जो आपके स्किन को इंस्टेंट निखार देगा। और साथ ही इस फेस पैक को रेगुलर इस्तेमाल करने से आपके स्किन के डार्क स्पॉट्स, पिंपल, पिगमेंटेशन सारे धीरे धीरे रिमूव होने लगेगा। और साथ ही इस फेस पैक को अप्लाई करने के बाद आपके चेहरे पे ग्लो दिखेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एक बाउल में 1 चम्मच ग्राम फ्लोर यानी बेसन लेना है। फिर इसमें ऐड करना है 1 चम्मच व्हाइट फ्लोर यानी मैदा, 1/2 चम्मच लेमन जूस यानी नींबू का रस, 2 चम्मच रॉ मिल्क यानी कच्चा दूध, और अब डाल देना है 2 चम्मच टोमेटो पल्प्स यानी टमाटर का पल्प्स। अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो मिक्स करने के बाद हमारा फेस पैक बनके रेडी है, और आप इस फेस पैक को अपने क्लीन फेस पर अप्लाई कर लीजिए। और इसे अप्लाई करके आप अपने फेस पे 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, और 20 मिनट होने के बाद आप ठंडे पानी से अपने फेस को वॉश कर लीजिए। ये जो टोमेटो का फेस पैक है, ये उनके स्किन के लिए बेस्ट है जिनका स्किन ऑयली है, जिनके स्किन पे बहुत सारे दाग धब्बे हैं और स्किन पे बिल्कुल भी ग्लो नहीं है, या आपके फेस पे पिगमेंटेशन, पिंपल्स, डार्क स्पॉट्स, ब्राउन स्पॉट्स, इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए भी बेस्ट है। और आप इस फेस पैक को रेगुलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस फेस पैक से धीरे धीरे सारे दाग धब्बे दूर होने लगेंगे और स्किन नेचुरली बहुत ही ग्लो करने लगेगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। इसी तरह के और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।